वाला हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे किसान भाइयों से बात की, यहाँ पे सफ़र में होता यह है कि 24 घंटे में खाली हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि किसान सुपर परमिट होने के बावजूद भी यहाँ पे लगभग 2 से 3 एक प्रॉब्लम हो गई है। फार्मेटेक फोर्ट की जो ट्रॉली है वो यहाँ पे खिसल गई है और आगे जो है ट्राइबल बाल बाल बचा है, इससे जो है पूरा गन्ना खिसकल गया था उसके ऊपर, और वहाँ पे जो है हम लोग का यो वो भी फंस गया है, तो उसको खींचने के लिए दूसरा फार्मेटेक बुलाया। नमस्कार दोस्तों, एक और बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक किसान में। दोस्तों आज जो यहाँ पे हम लोग की तीसरी ट्रॉली भरी हो रही है, और ये जो ट्रॉली है ये पहली ट्रॉली रहेगी जिसको हम लोग फैक्ट्री ले जाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले की जो दो ट्रॉली थी उसको हम लोग भट्टी पे जो है डंप की थी उसको, अब जो है हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ले जा रहे हैं। और फैक्ट्री में जो है हम लोग यहाँ पे एक सुपर परमिट होता है जिसमें जो है 24 घंटे में ट्रॉली खाली हो जाती है, तो उस पर जो है हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। तो पहले जो है हम लोग को परमिट भी बनवाना है उसका, उसके बाद जो है वो सुपर परमिट पर हम लोग इसको डंप करेंगे, और इसमें जो है 8 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो है पैसे कटते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो है ट्रॉली आपकी खाली हो जाएगी। और यहाँ पे जो हम लोग का एक महिंद्रा यूवो लोड हो रहा है 4x4, और इसी की दूसरी साइड यहाँ पे हम लोग का फार्मेटेक फोर्ड जो कि आज पहली बार लोड किया जा रहा है गन्ने के लिए, तो वो लोड हो रहा है। तो आइए देखते हैं और देखते हैं कि ये फार्मेटेक फोर्ड कितना वजन यहाँ से खींच के ले जा पाता है खेत से, क्योंकि अभी जो है खेत में नमी है। खैर यहाँ पे 4x4 जो है लगभग 80 से 85 क्विंटल जो है ये ले जाता है खेत से। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है यहाँ की वंशिका शुगर मिल, जहाँ पे जो हम लोग गन्ना लाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा एरिया में यहाँ पे फैली हुई है, और यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड के अंदर कितने सारे ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, और दोस्तों इससे ज़्यादा ट्रैक्टर जो है इसके बाहर खड़े होते हैं। ये जो ट्रैक्टर हैं इनका नंबर लगभग 24 घंटे बाद लग जाएगा, इसलिए इनको जो है अंदर कर लिया गया है, और इसके बाहर जो है बाकी के ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पे अपना परमिट बनवाने के लिए आया हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फुहारा जैसे चलता रहता है जिससे जो है गन्ने का रस शायद ठंडा किया जाता है, इसलिए जो है इसको यहाँ पे रोटेट किया जाता है इस पाइप के अंदर से, तो ये फुहारा जैसे ऐसे दिखाई देता है। और ये रही वो फैक्ट्री, और यहाँ पर जो है ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, ये जो है मेन ग्राउंड है फैक्ट्री का, यहाँ से होते हुए जो है ट्रैक्टर कांटे की ओर जाते हैं जहाँ पे जो है तलाई होती है, और ये इसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर देखेंगे। आपको यहाँ पर जो है हर प्रकार के ट्रैक्टर मिल जाएंगे हर कंपनी के, और एक देखिए कौन सा कम बहुत ज़्यादा ये पुराना ट्रैक्टर है, इसको जो है घर पे ही शायद वार्निश से इसको पोत दिया है, पेंट किया गया है इसको, देखिए आप पास से देखते हैं। और वहाँ पे जो है गन ट्रॉली को खाली किया जाता है, ये HMT पुराना ट्रैक्टर जिसको जो है घर पे ही पुताई की गई है, और कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, और जैसे ही जिसका नंबर आता है तो तलाई होती है, और वो खड़ा है यहाँ पे जॉन डियर। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आया हुआ था शुगर मिल में परमिट बनवाने के लिए, और यहाँ पे जो है थोड़े टाइम मशक्कत करने के बाद फाइनली यहाँ पे बन चुका है, और अब जो है मैं यहाँ पे ट्रैक्टर को लगवाने वाला हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे किसान भाइयों से बात की, यहाँ पे सफ़र में होता यह है कि 24 घंटे में खाली हो जाती है,
लेकिन किसान भाइयों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि किसान सुपर परमिट होने के बावजूद भी यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपने ट्रॉली खाली होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए वापस से खेत की तरफ चलते हैं और ट्रॉली को लेकर आते हैं। दोस्तों अभी आ गए हम लोग फैक्ट्री से डायरेक्ट सीधा खेत से, और यहाँ पे जो है ये महिंद्रा यूवो पूरी तरीके से लोड हो चुका है। अब इसमें मात्र कसन को कसना रह गया है और वहीं पे फोर्ड भी पूरी तरीके से रेडी है, ट्रॉली भर चुकी है। एक प्रॉब्लम हो गई है, फार्मेटेक फोर्ड की जो ट्रॉली है वो यहाँ पे खिसल गई है और आगे जो है ड्राइवल वाल वाल बचा है, जिससे जो है पूरा गन्ना खिसकल गया था उसके ऊपर। और वहाँ पे जो है हम लोग का यो वो भी फंस गया है, तो उसको खींचने के लिए दूसरा फार्मेटेक बुलाया है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे जो एक ये वाली ट्रॉली भी धस गई है। उसको क्या हो रहा है, आज जो है दोनों ट्रैक्टर जो है फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये ट्रॉली का गन्ना खिसल गया है, यहाँ पे ये ट्रॉली यहाँ पे धस गई है। बड़ी दोस्तों यहाँ पे समस्या आ रही, क्योंकि खेत जो है काफ़ी ज़्यादा गीले हैं। ट्रॉली का एक साइड का टायर भी पूरी तरीके से धस गया है और ये यहाँ पे ट्रॉली खिसल गई है ट्रैक्टर के ऊपर। दोस्तों अभी जो है वापस से एक और बार ट्रॉली को भरते हुए यहाँ से आगे थोड़ा सा ट्रैक्टर रोक के फिर इसको यहाँ पे भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रॉली जो है आगे से खिसल गई थी, तो उस कारण जो है वापस से भरते हुए तो यहाँ पे जो है डबल मेहनत लग रही है। और दूसरी साइड वहीं पे अपना ये क्यों वो फंसा हुआ एक साइड, ये जो है पीछे से फार्मेटेक से खींचने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी जिसमें आगे टारा लगा होता है वो वाला ट्रैक्टर बुलवा रहे हैं, जिससे जो है पीछे से धक्का देंगे और आगे से फिर से फार्मेटेक की मदद से तानेंगे। 3 ट्रैक्टर की मदद से जो है इसको वापस निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इस ट्रॉली में भी कोई दिक्कत आती है तो इसको भी उसी ट्रैक्टर से खींचेंगे फार्मेटेक से।